नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का रण संग्राम। मैं हूं इस वक्त नागपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में और पश्चिम विधान क्षेत्र से जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा उम्मीदवार जो है यश गौरखेड़े ने यहां से चुनाव प्रचार का प्रारंभ किया है। मेरे साथ में यश गौरखेड़े जी। यश गौरखेड़े जी क्या बताएंगे, आपके सामने बहुत बड़ा जो दो उम्मीदवारों का ये तगड़ा ये मुकाबला होने वाला है और उसके बीच में आप है, कैसा मुकाबला करेंगे आप उनसे दोनों से? दो उम्मीदवार कौन है, बीजेपी और कांग्रेस? अरे वो तो एक ही है। हाँ आप कह रहे हैं वो एक ही है। विकास जी ठाकरे को जितवाने के लिए सुधाकर देशमुख का डमी कैंडिडेट दिया गया भाजपा ने, आप समझ के चलिए। इनकी जो साठ गांठ है ना दक्षिण पश्चिम में, देवेंद्र जी फडणवीस विकास जी ठाकरे की मदद लेते हैं और पश्चिम नागपुर में देवेंद्र जी फडणवीस जितवाने के लिए विकास जी ठाकरे को एक डमी कैंडिडेट दिया है, वो जनता एक्सेप्ट नहीं करने वाली। और रही बात इनके कामों की, आप मुझे पांच काम गिना दीजिए गटर नाली सड़क के अलावा। गटर नाली और सड़क में सबसे ज्यादा करप्शन होता है, इसलिए नेता ये तीन ही काम किया है। उसके अलावा स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, माल की पट्टे, शिक्षा, इसके ऊपर क्या काम किया मुझे आप बता दीजिए। एक भी पिछले पांच सालों में एक भी सवाल अगर उन्होंने दिया होगा तो आप मुझे बता दीजिए, उन्होंने एक भी काम नहीं किया है। बाला साहब अम्बेडकर जी ने आपके ऊपर में विश्वास रखकर जो है बहुत बड़ा कदम उठाया और वंचित बहुजन आघाड़ी की उम्मीदवारी दी है, इस उम्मीदवारी को कैसा न्याय देंगे आप? ये मेरी उम्मीदवारी नहीं है, ये एक बेटे की उम्मीदवारी है। क्योंकि अभी जनता को नेता नहीं, जनता को अपना बेटा चाहिए और जनता ने मेरे रूप में एक अपना बेटा चुना है ऐसा मुझे लगता है। और आप देखिए कि ये लोग, आप इनको पूछिए कि इनको 500-500 रुपए मैंने दिया क्या यहाँ पे आने के लिए, नहीं, ये लोग, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनका भाई हूँ, इसीलिए ये लोग मेरे साथ यहाँ पे चल रहे हैं। और श्रद्धेय बाड़े साहब, अम्बेडकर का तो मुद्दा ही रहा है रिप्रेजेंटेशन का, हर जात समूह को एक रिप्रेजेंटेशन मिले। तो युवा होने के नाते, बस्ती का बेटा होने के नाते, नागपुर का बेटा होने के नाते श्रद्धेय बाड़ा साहब अम्बेडकर ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है और उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका मन से धन्यवाद करता हूँ। और साथ साथ में आरक्षण को लेके कांग्रेस और बीजेपी की जो भूमिका रही है वो मनुवादी लोग हैं, ये आप देख सकते हैं। कल राहुल जी गांधी आए और उन्होंने, उनको यही नहीं पता कि प्रेरणा भूमि, दीक्षा भूमि को वो सैक्रिफाइस लिख दे रहे हैं, वो उनको कहते हैं कि सैक्रिफाइस की भूमि है, उनको यही नहीं पता कि सैक्रिफाइस की भूमि क्या होती है। तो अभी आरक्षण को लेके हमारी लड़ाई है और अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर संविधान लिखा है तो बाला साहब अम्बेडकर है, टाइगर अभी जिंदा है और जब तक टाइगर जिंदा है संविधान का स और आरक्षण का अ इसको कोई हाथ लगा। क्या क्या संकल्प किया है, जैसे आप विधानसभा में चुनकर आते हैं, विधायक बनते हैं, तो तमाम जो पश्चिम जो नागपुर का ये जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र, उसके लिए क्या आपकी ब्लूप्रिंट क्या रहेगी? देखिए शिक्षा का बहुत बड़ा एक मुद्दा है, शिक्षा, रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हेल्थ का, स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए कि 12,500 बेड्स है सिर्फ नागपुर में, पॉपुलेशन हमारी 40 लाख के आसपास है, 10% लोग कोरोना में बीमार पड़ गए तो लोग रोड पे मर रहे थे। ये आमदार हमको गिनाते हैं कि हम लोगों ने कोरोना में काम किया, तुमने उपकार नहीं किया, ये तुम्हारा कर्तव्य था, तो इसको गिनाना बंद करो, इंसानियत रखो, इसको आप गिनाना बंद करो। यहाँ पे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे सरकारी अस्पताल एटलीस्ट दो चाहिए वेस्ट नागपुर में, 3 लाख जनसंख्या के ऊपर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे चाहिए, वो हम लोग आमदार निधि से देंगे, चाहे उसके लिए 500 करोड़ लगे या 2500 करोड़ लगे, वो यश गौरखेड़े आमदार बनने के बाद आने वाले 2 साल के अंदर बना के देगा। प्लस यहाँ पे जितनी स्कूलें जो बंद है वो स्कूलों को चालू करने का संकल्प हमारा है, साथ साथ में 5 इंटरनेशनल स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उतने लेवल की स्कूल है, ये गरीब के बच्चों के लिए ये खोली जाए, ये हमारा संकल्प है। जितने बच्चे बाहर यहाँ से गए हैं 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए, उनको यहीं पे नौकरियाँ दिया जाए और बैंक के माध्यम से ऋण के तौर पे इनको इजी लोन मुहैया कराया जाए, इनके PF, इनके योजनाएं और इनके जो स्वास्थ्य बीमा है वो खोली जाए ताकि इनको भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। और आखिरी बात, शादी करवाने के लिए एक गरीब का पूरा, मतलब वो पूरा अपने हाड़ गला डालता है, तो ये शादी में खर्चा ना हो इसलिए समाज भवन। आज चुनाव रैली का प्रचार प्रारंभ किया है, बड़ा समर्थन भी आपको मिल रहा है, क्या मतदाताओं से आह्वान करेंगे आप? आह्वान यही करेंगे कि वोट जो देना है वोट अपने बच्चों को दो, वोट अपने जाति और धर्म पे नहीं, वोट मोदी जी के 56 इंच के सीने पे नहीं, मोदी जी या ये जो राहुल गांधी है इनको देखते हुए नहीं, भगवान पे नहीं, किसी पे भी नहीं, सिर्फ
वोट इस बार अपने बच्चों के नाम पे दो, वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए दो, वोट आने वाली पीढ़ी के आरक्षण को बचाने के लिए दो, तो ही बदलाव हो पाएगा। वोट तुमको जिसको देना है दो, मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ, वोट आपको जिसको देना है दो, क्योंकि हर दो साल में कोई ना कोई आके कहता है कि हमको वोट दो हम सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पर भरोसा मत करो, भरोसा करो अपने एक उंगली पे, वो है मतदान की उंगली, इसको आपको प्रॉपरली यूज करना है, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए वोट देना है, और एक बार चांस गैस सिलेंडर को देना है, क्योंकि आंबेडकर जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, और आरक्षण अगर बचाना है तो वो टाइगर ही करेगा। निश्चित रूप से टाइगर अभी जिंदा है, बाला साहब आम्बेडकर को टाइगर कहा है, वाकई में बाला साहब आम्बेडकर जो ये टाइगर है, राजनीति के टाइगर है, और जो वोट देना है तो अपने बच्चों को दे दो, ऐसा कहना एक दौरे कड़े का है। वाकई में वो जो है आप देख सकते हैं उनको अच्छा समर्थन भी मिल रहा है, या ये पूरा जो महिला है, युतिया है, इनके रैली में आई है। आई क्या बताऊंगी, एज गौरव खड़े को आज बहुत बड़ी तुम्हारे बस्ती की टिकट मिली है वंचित से। हाँ, टिकट मिली है इतने कम उम्र में, कम उम्र में तो इसका गर्व है। उसके साथ तो रहेंगे, प्रचार करेंगे उनके लिए। हाँ, उनके लिए घर जाकर करेंगे प्रचार। हाँ, आमदार कैसा होना, एज गौरव खड़े जैसी होना, एज गौरव खड़े जैसा आमदार होना। हाँ, यहाँ पर भी आपको कुछ युतिया है, बेटा काय सांगशील तू, रैली तालिया है भाऊच्या, कोण्या वर्गात आहे? मी 11वीत आहे। 11वीत आहे, शिक्षण बरोबर भेटते तुला? हो भेटते। आता मामाजी प्रचार करशील? हो। मेरे साथ में है उम्मीदवार एज गौरव खड़े की धर्म पत्नी, हम उनसे भी जानेंगे, क्योंकि पहली बार जो है गौरव खड़े जी चुनाव के मैदान में, कैसा महसूस करती हो? बहुत खुशी महसूस हो रही है, और गर्व की बात है कि एक बस्ती के लड़के को टिकट मिली है और वो आज लड़ रहे हैं, और वो सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, वो पूरे बस्ती के लोग और सारे जो लोग हैं उन सब के लिए लड़ रहे हैं। क्या लगता है, बाजी मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, आप सब लोगों का साथ है तो ज़रूर करेंगे। हर इंसान के पीछे पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसी तरह से आपका भी यहाँ पर योगदान दिखाई दे, घर घर जाना है जी, हर महिला को मिलना है, यार सब काम करेंगी आप? बिल्कुल करूंगी उनके साथ में। देखा जाए तो हम लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं हम दोनों, और मैं सारे महिलाओं को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आइए और बदलाव के तरफ कदम बढ़ाइए अपना। हमेशा आप भी मिशन में रहते हैं, दोनों भी मिशन में रहते हैं? हम दोनों रहते हैं और हम दोनों कई सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ पर महायुति सरकार ने लाडली बहन योजना लाई है, इसका असर कुछ होने वाला है? अभी तो मैं यही बोलूंगी कि मुझे तो अभी तक का कोई लाभ नहीं मिला इस चीज का, और लेना भी नहीं है, क्योंकि मैं उतनी स्टेबल हूँ। रही बात बाकी महिलाओं की, बाकी महिलाओं से पूछ, विधायक बनने पर क्या मतलब विकास का कुछ एजेंडा रखा है आप दोनों ने मिलके, क्या करना है करके स्लम बस्ती के लिए? जी बिल्कुल, बाकी नेताओं जैसे हमें रोड बनाना, गटर बनाना, यही काम नहीं है, जो मेन मुद्दे हैं अस्पताल हो गए, शिक्षा हो गई, महिलाओं के लिए विकास हो गया, वो सारी योजनाओं पे हमें काम करना बहुत जरूरी है। तो निश्चित रूप से ये थी एज गौर खड़े, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के जो उम्मीदवार है, उनकी धर्म पत्नी है, और दोनों भी सोशल वर्क में रहते हैं और समाज के लिए काम करेंगे, यही इच्छा उन्होंने जताई है। मेरे साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार एज गौरव खड़े की मम्मी भी है। आई क्या बताऊंगी, एज गौरव खड़े जो है विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, सबका साथ है तो जीतेगा ही, जीतेगा ही। हमेशा मिशन में रहते हैं भाऊ, अंबाझरी का जो मुद्दा है उन्होंने उठाया है, वो पिछले बार में वो जो उनके घर में भी वो हमला हुआ था, कैसी देखते क्या डर वर नहीं लगता अपना बेटा इतना अच्छा लड़ता है बिंदास? मला भीती वाटते, वाटली होती, पण त्याला म्हटलं मी आता तू मागा नको हटू, म्हटलं मागा नाही हटायचं, बिल्कुल नाही हटायचं म्हटलं, करायचंच आता। अरे तुम्ही जर साथ दिली तर नक्की साथ आहे, जिजाऊची शिवरायांना साथ होती, साथ आहे माझी वाली त्याला, है ना, घाबरणार नाही तुम्ही? नाही नाही बिलकुल नाही, कारण एज भाऊ एक लढवय्या माणूस आहे। हाँ, मी घाबरत नाही। मतदारांना काय आवाहन करणार तुम्ही आता सगळ्या? आता मी म्हणतो मतदारांना, म्हणते साथ द्या तुम्ही आणि त्याला जिंकून आणा। काय आहे निवडणूक चिन्ह त्यांचं? सिलेंडर आहे चिन्ह, म्हणजे बेटा घाबरू नको, लढ घाबरू नको, नाही घाबरायचंच नाही ना, जे होईल ते बघू समोर। जब माँ कहती है कि बेटा डर मत, लड़,
तो निश्चित रूप से यश गौरखेड़े लड़ने वाला लड़का है और निश्चित रूप से अभी उनको बाड़ा साहब अम्बेडकर ने एक मौका दिया है विधानसभा के माध्यम से। यदि मान लो उनके पीछे यहाँ पे रिपब्लिकन मूवमेंट के हो या बहुजन समाज के, सारा समाज अगर पीछे रहेगा तो यश गौरखेड़े ये गरीबों के लिए लड़ने वाला एक अच्छा उम्मीदवार यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के बाला साहब अम्बेडकर तो ये तमाम जो बड़ी संख्या में जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रचार रैली में जो है लोग जुटे हैं और यश गौरखेड़े यहाँ से चुनाव मैदान में है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि पश्चिम नागपुर से भारतीय जनता पार्टी के सुधाकर कौले है और कांग्रेस की ओर से विकास ठाकरे है और वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से जो है यश गौरखेड़े। मगर अभी ये पश्चिम नागपुर क्षेत्र का जो गणित है यश गौरखेड़े जो है ये बिगाड़ने वाले है और यहाँ पर जो भारी उनको समर्थन यश गौरखेड़े को मिल रहा है और यश गौरखेड़े को टिकट मिलने के बाद जो है यहाँ के जो उम्मीदवार है वो जो सख्त में आए हैं कि हमारा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। पर लेकिन अब देखना यह है कि 23 नवंबर को तो निकाल लगने वाला है और 20 नवंबर को है वो जो चुनाव है। हर आप मतदाताओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप पोलिंग बूथ पर जाइए और चुनाव में हिस्सा लीजिए और मतदान करिए। आप घर ना बैठिए क्योंकि संविधान ने यह अधिकार दिया है आपको, तो आपका अधिकार निभाइए। और 23 नवंबर को पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन रहेगा ये आपके सामने आएगा, कौन सीढ़ियाँ चढ़ेगा वो भी आपके सामने आएगा ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए WBS न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।